हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम एल्युमिनियम कंडक्टर और कॉपर कंडक्टर के साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्युमिनियम कंडक्टर और कॉपर कंडक्टर का करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम इनके साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका जो नॉमिनल एरिया वाइज साइज़ क्या हम इसमें लेते हैं या फिर हम डायमीटर वाइज इसका साइज़ क्या लेते हैं, किस प्रकार से करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पे इनको अलग अलग साइज का कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम इस प्रकार के कंडक्टर का करंट रेटिंग कैपेसिटी के आधार पे ही इनका सिलेक्शन करते हैं और किसी भी सर्किट में इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें डोमेस्टिक वायरिंग करना होता है तो डोमेस्टिक वायरिंग के लिए भी हम सबसे पहले करंट को कैलकुलेट करते हैं, लोड कितना है, लोड को टोटल ऐड करके हम वहाँ से करंट कैलकुलेट करते हैं और उस करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पे हम कंडक्टर का सिलेक्शन करते हैं। चाहे हम डोमेस्टिक वायरिंग हो, पावर वायरिंग हो, इंडस्ट्रियल वायरिंग हो या किसी भी प्रकार का ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, कहीं पर भी हमें खींचना होता है, कहीं पर हमें इंस्टॉल करना होता है तो वहाँ पर हमें करंट कैरिंग कैपेसिटी निकालना बहुत आवश्यक होता है। करंट कैपेसिटी निकालना बहुत आवश्यक होता है और उस करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पे, मतलब उस करंट के आधार पे हमें हमारे केबल का चयन करना होता है। उनके करंट रेटिंग के आधार पे हमें केबल का चयन करना होता है। ठीक है, तो केबल के सिलेक्शन के लिए करंट रेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो केबल का डायमीटर है या केबल का जो साइज़ है, कंडक्टर का साइज़ है, वो करंट के करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस टेबल के माध्यम से ये जानना है कि हम किस प्रकार के, किस साइज़ के केबल का इस्तेमाल कहाँ पर हम कर सकते हैं, कितने एम्पियर के करंट के लिए, किस कैपेसिटी के करंट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट साइज़ के केबल का डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंगल कोर केबल या टू कोर केबल या थ्री कोर केबल या फोर कोर केबल के लिए कितने कितने साइज़ का किस करंट के लिए सुइटेबल होगा। ठीक है, जिसको हम आसानी से यूज करके एक कंप्लीट सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम विभिन्न प्रकार की वायरिंग्स में इस्तेमाल करते हैं और ये एस्टीमेटिंग और कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पर हमें करंट कैपेसिटी निकालना होता है, करंट कैलकुलेट करना होता है और उसके आधार पे हमें केबल का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, हमें चाहे वो इंडोर टाइप सबस्टेशन इंस्टॉल करने की बात की जाए, पोल माउंटेड सबस्टेशन इंस्टॉल करने की बात की जाए या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन खींचने की बात की जाए, डोमेस्टिक वायरिंग करने की बात की जाए, पावर या इंडस्ट्रियल वायरिंग करने की बात की जाए, तो सभी जगह इन करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पे हमें केबल का साइज देखना होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से देखेंगे कि किस किस साइज़ के केबल अवेलेबल होते हैं, किस साइज़ कितने करंट रेटिंग के लिए किस साइज़ का केबल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिया है साइज ऑफ केबल और यहाँ पर हमने ले लिया है करंट रेटिंग इन एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो प्रकार से साइज लिए हैं, एक तो डायमीटर वाइज हमने यहाँ पर लिया है, डायमीटर वाइज हमने साइज लिया है और दूसरा हमने एरिया वाइज हमने यहाँ पर इसको साइज को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम डायमीटर ले रहे हैं और यहाँ पर हम एरिया वाइज ले रहे हैं। ये डायमीटर इन mm होगा, इसका जो डायमीटर आएगा और इसका एरिया जो मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर mm स्क्वायर में आपको यहाँ से इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखेंगे करंट रेटिंग इन एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखोगे सिंगल या टू कोर केबल के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है करंट की वैल्यू। ठीक है, करंट रेटिंग बताया गया है और यहाँ पर थ्री या फोर कोर केबल के लिए करंट की रेटिंग आपको इस कॉलम में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम इसका वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट, तो इसमें बताया गया है कि 1/1.40। इसका मतलब ये है कि सिंगल कोर रहेगा, सिंगल कोर या सिंगल कंडक्टर रहेगा। ठीक है, सिंगल वायर रहेगा जिसका प्रत्येक का, मतलब जिसका साइज 1.40 mm होगा, मतलब जो डायमीटर होगा उस कोर का वो होगा 1.40। ठीक है, कंडक्टर का ये डायमीटर है।
फिर इसके बाद में यदि हम उसके एरिया की बात करें तो उसका एरिया होगा 1.5, और ये मैक्सिमम 10 एम्पियर तक के करंट के लिए आप सिंगल या टू कोर केबल में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, टू कोर केबल है तो आप 10 एम्पियर तक के मैक्सिमम करंट को फ्लो करने के लिए इस प्रकार के कंडक्टर या केबल का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि वो थ्री कोर या फोर कोर केबल है तो वहाँ पर आप 9 एम्पियर तक के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड, आप देखिए 1/1.80, तो यहाँ पर सिंगल कोर केबल जो सिंगल कंडक्टर का जो साइज दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 1.80 है। ठीक है, और यदि हम इसका एरिया वाइज देखें तो 2.5 mm का हमें कंडक्टर 15 एम्पियर तक की करंट को टू कोर केबल के लिए और 11 एम्पियर तक के करंट थ्री या फोर कोर केबल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे थर्ड 1/2.24, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ जो इसका डायमीटर है ये 2.24 के लिए और इसका जो एरिया वाइज है ये 4 मिलीमीटर स्क्वायर डायमीटर वाला 20 एम्पियर टू कोर केबल के लिए और 15 एम्पियर थ्री और फोर कोर केबल के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 1/2.80 डायमीटर वाला 2.80 mm डायमीटर वाला कंडक्टर को आप इस्तेमाल 27 एम्पियर के लिए और थ्री और फोर कोर केबल में 21 एम्पियर के लिए 21 एम्पियर के लिए आप ले सकते हैं। और इसमें यदि एरिया वाइज इसको देखा जाए तो ये 6.0 मिलीमीटर स्क्वायर में इसकी इसका एरिया होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होगा। फिर इसके बाद में क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है ना, ध्यान देंगे आप, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाता है। फिर इसके बाद में फिफ्थ देखिए 1/3.55, तो इसका 1/3.55 मतलब 3.55 डायमीटर वाला यहाँ पर आप कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं एरिया वाइज, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइज 10 mm स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम 34 एम्पियर तक की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है इसकी, 34 एम्पियर तक करंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि थ्री और कोर केबल फोर कोर केबल की बात करें तो ये 27 तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे 7/1.70। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर 7 कोर रहेंगे, जो देखा होगा ना कंडक्टर का 1 लेयर 2 लेयर, तो इस तरह से 7 कंडक्टर यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे और प्रत्येक का जो है डायमीटर रहेगा 1.70 होगा। ठीक है, जब आप उसका इंसुलेशन आप निकालते हैं तो उसमें कई आप उसकी लड़ी देखते हो तो वो अधिक कोर वाले केबल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 1.70 प्रत्येक का रहेगा। इस प्रकार से इसका डायमीटर ओवरऑल डायमीटर 16.0 आएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायमीटर नहीं बोलेंगे इसको, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया 16.0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 43 एम्पियर टू कोर केबल के लिए और 35 एम्पियर तक थ्री और फोर कोर केबल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ये भी सेम वही चीज़ है कि ये इसका प्रत्येक का डायमीटर है 2.24 और 7 कोर इसमें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसका टोटल यदि एरिया देखा जाए तो 25 मिलीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये 59 के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी वैल्यू जो है 48 ये 3 या 4 कोर केबल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसके बाद में ये भी है 7 कोर के लिए, यहाँ पर 7 जो कंडक्टर हैं पतले पतले कंडक्टर होते हैं जो 2.5 प्रत्येक की जो डाया होता है वो 2.50 होता है और उसका एरिया ओवरऑल एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया 35 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आपको ये मैक्सिमम 69 एम्पियर टू कोर केबल के लिए और मैक्सिमम करंट 55 3 या 4 कोर केबल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में लास्ट देखोगे तो ये हमारा 7/3.0 मतलब 7 इसमें पतले पतले कंडक्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक ही कंडक्टर के लिए। ठीक है, और इसमें प्रत्येक का जो डायमीटर है वो 3 mm है, तो इस प्रकार से ओवरऑल इसका जो एरिया है वो 50 मिलीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट रेटिंग है टू कोर केबल के लिए 91 है और इसमें मैक्सिमम करंट रेटिंग थ्री और फोर कोर केबल के लिए 69 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एल्युमिनियम कंडक्टर का केबल या करंट रेटिंग आपको यहाँ से पता चल गया कि केबल का साइज़ क्या होगा उसका और उसको किस करंट रेटिंग के लिए
आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉपर कंडक्टर, ठीक है, कॉपर कंडक्टर के लिए देखेंगे कॉपर कंडक्टर का क्या क्या साइज़ में अवेलेबल होती हैं और किस रेटिंग के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर इसके बाद साइज ऑफ केबल जैसे कि आपने देखा था वहाँ पर भी, और करेंट रेटिंग, तो सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर हम डायमीटर, यहाँ पर एरिया, फिर यहाँ पर टू कोर केबल के लिए, यहाँ पर थ्री और फोर कोर केबल के लिए यहाँ पर लिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये साइज आपको दिया हुआ है 1/1.12, तो ये सिंगल कंडक्टर इसमें रहेगा, सिंगल पतला कंडक्टर रहेगा जिसका डायमीटर 1.12 होगा, और जिसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो ये 0.96 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, और ये अधिकतम 5 एम्पियर तक के लिए टू कोर और फोर कोर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे 3/0.763, मतलब 3 लेयर रहेंगे इसमें, 3 कंडक्टर्स के लेयर रहेंगे पतले पतले, जिसका ईच का डायमीटर जो है 0.763 होगा, ठीक है। इसमें जो इसका एरिया है ये 1.29 होगा, अधिकतम ये 10 एम्पियर के करंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं टू कोर, थ्री कोर एंड फोर कोर केबल में। फिर इसके बाद में थर्ड देखेंगे तो ये होगा 3/0.915, ठीक है। यहाँ पर ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो 1.93 होगा, और यहाँ पर करंट रेटिंग आपको 15, और यहाँ पर थ्री एंड फोर कोर केबल के लिए 13 करंट रेटिंग होगी, इससे अधिक के लिए आप इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सारी वैल्यू आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको कितने एम्पियर करंट के लिए कौन से कंडक्टर का इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप किसी भी सिस्टम में कहीं पर एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग कर रहे हैं, एस्टीमेट निकाल कर उसका कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप उस प्रॉपर साइज़ का कंडक्टर ले पाएंगे, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिए एक एक बार ये, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें ये आपको क्लियर है यहाँ से, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी वही वैल्यू हैं। यहाँ पर यदि किसी को भी मैं और भी बोलूँ, जैसे ये 9th बोलूँ तो ये 19 इसमें पतले पतले कंडक्टर्स होंगे, कॉपर कंडक्टर होंगे, और प्रत्येक का जो साइज़ होगा ये 1.12 होगा, और इसका यदि हम ओवरऑल डायमीटर की बात करेंगे तो ये 19.35 होगा, ठीक है। और इसमें टू कोर केबल के लिए 62 और थ्री और फोर कोर केबल के लिए 50 होगा। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही, फिर 11 नंबर भी देख लेंगे, ये इसमें नहीं आ रहा था टेबल में तो मैंने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। इसमें 11 नंबर में भी है 19/1.626, ठीक है, 19/1.626, और यहाँ पर जो इसका केबल का नॉमिनल एरिया है वो 38.70, और करंट कैरिंग कैपेसिटी फॉर टू कोर केबल 97 मैक्सिमम, और थ्री और फोर कोर केबल के लिए 78। तो इस करंट के लिए आप इस प्रकार के इस केबल का आप यहाँ पर इस कंडक्टर, इस साइज़ के कंडक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।